सो व्हाट इज वर्बल रीजनिंग? यस एनीवन? देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्बल रीजनिंग कहते हैं वो रीजनिंग को जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व हो। नाउ व्हाट आर वर्ड्स? वो तो हम सबको मालूम ही है, राइट? वर्बल रीजनिंग वो रीजनिंग है जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व हो। अब इससे क्या समझा जा सकता है? कई तरीके के क्वेश्चंस वर्बल रीजनिंग में आते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं, ज्यादातर लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, और आपको वर्ड्स में से लॉजिक डिराइव करना होता है, राइट? कई बार असर्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार अजम्पशन वाले आ जाते हैं। सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। फाइन, सो लेट्स बिगिन। प्लीज गेट सेटल्ड, बैठिए प्लीज। चलिए, वर्बल रीजनिंग होती क्या है, रेलेवेंस इन द टेस्ट क्या है, गवर्नमेंट कंपेटेटिव एग्जाम्स में और आपका जो एग्जाम होना है उसमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर आते हैं, देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए ये चीजों को समझ लेते हैं पहले। वॉट इज इम्प्लाइड अजम्पशन? अब मैं एक स्टेटमेंट कह देता हूं आप लोग के बारे में कि दिस इज अ वेरी गुड क्लास, लेट्स से मैं बोल देता हूं ये बेस्ट क्लास है। सो इफ समबडी आस्क्स मी द रीजन कि क्यों आपको ये क्लास बेस्ट लगती है, सो मैं एक आंसर देने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं बिकॉज दी स्टूडेंट्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो यहां पे मेरा अजम्पशन क्या है, मैंने अज्यूम कर रखा है कि वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं अच्छे होते हैं, राइट? उसी को इंप्लाइड अजम्पशन कहते हैं। इंप्लाइड मींस हिडन। सो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें अजम्पशन ढूंढना पड़ता है, अभी उसका प्रैक्टिस भी करते हैं। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, राइट? एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपको सामने दिए गए होंगे दो आर्ग्यूमेंट्स। पूछा गया होगा कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। अब स्ट्रांग और वीक आर्ग्यूमेंट्स होते कैसे हैं? अच्छा एक बात बताएं मुझे, लेट्स से एक स्टेटमेंट है, चंडीगढ़ में सारी क्लासेस ऑफलाइन नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन कर देनी चाहिए। चलिए लेट्स से सारी क्लासेस ऑनलाइन कर देनी चाहिए। उसका एक रीजन है यस कर देनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस बार। डू यू थिंक इट्स अ लॉजिकल रीजन, यस और नो? यस, सम पीपल थिंक यस, सम मे थिंक नो। सो जो आई मीन इट इज नॉट द यस और द नो विच मैटर, जो लॉजिक दिया जाएगा वो मैटर करेगा, वो बताएगा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है या वीक है। अब मैं कहता हूं कि नो के लिए एक और या यस के लिए एक और आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। शुड ऑल क्लासेज इन चंडीगढ़ बी मेड ऑनलाइन? The answer is, एक और आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। कोई कहता है yes, कर देनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो बड़ी अच्छी होती हैं। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, राइट? देयरफोर दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, है ना? डिड वी अंडरस्टैंड दिस मच? चलिए देन वी हैव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। एक स्टेटमेंट आपको दिया होगा और सामने दिए गए होंगे उसके कंक्लूजन्स। अब उस पर बेस्ड जो कंक्लूजन है या नहीं है वो आपने ढूंढना होता है, ठीक है? Then we have the inference वाले questions. What is an inference? ये reading comprehension में अक्सर पूछा जाता है। Inference होता है वो conclusion जो आपने draw किया है, जो author ने नहीं कहा, author ने उससे related कोई information दी है, उसके basis पर you have drawn that conclusion, you have deduced it. How? Let's say मैं कहता हूं एक कोई story है जिसमें जो author है या जो character है, जो main character है, वो गांव के पास एंटर करता है। एंटर करते वक्त ही सीज के पानी बहुत बह रहा है, सो उससे वो इन्फर कर लेगा कि शायद बारिश हुई होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? सो इन्फ्रेंस मींस एक लॉजिकल डिडक्शन जो ऑथर ने स्टेटेड नहीं है, ऑथर ने स्टेट नहीं किया है, आपने वो चीज इन्फर की है। यू विल डिराइव इट ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स दिए गए होंगे। चलिए वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फाइन, दिस इज व्हाट इट इज, इट टेस्ट्स योर लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स एंड इट टेस्ट्स हाउ वेल यू कैन असेस द वर्बल लॉजिक, आप वर्बल लॉजिक को कितना अच्छा समझते हैं। चलिए ये सब तो हो गई, मेंटल अलर्टनेस, स्पीड चाहिए होती है, कीननेस, जो बेसिक चीज है ना वर्बल रीजनिंग के लिए, जो बहुत बेसिक चीज है,
वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट्स इट, और लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी. चलिए लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन, शाहरुख हैज 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टाइपिंग, हेंस शाहरुख इज एन एक्सपर्ट टाइपिस्ट. क्या ये लॉजिकल अजम्पशन है इसकी कि क्योंकि उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए वो एक्सपर्ट टाइपिस्ट होगा? यस, वो लॉजिक है ना, क्योंकि 20 साल आप कोई काम करेंगे तो इट इज नेचुरल दैट यू विल अक्वायर एक्सपर्टीज एट इट, राइट. देन जे ए रिड्यूस इट्स फेयर्स, हेंस पैसेंजर फ्लो जो है वो इंक्रीज्ड. ऐसा होता है अगर हम प्राइसेस को या फेयर्स को नीचे कर दें, कम कर दें, तो जो पैसेंजर फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा लोग ट्रेवल करने लगते हैं. करेक्ट. शोले फीचर्ड अमिताभ, हेंस द मूवी वॉज हिट. अमिताभ बच्चन थे शोले में, इसीलिए शोले हिट थी? नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो और बहुत फिल्मों में भी थे, राइट, जो शायद नहीं चली होंगी, है ना. वैसे सोनी मैक्स अगर आप देखते हो तो सूर्यवंशम तो उस पर चलती रहती है ना. चलिए, एन अजम्पशन इज डिफाइंड इज समथिंग जो अज्यूम्ड है, सपोज्ड है, टेकन फॉर ग्रांटेड है. तो वो ऐसा होता है कि ये होगा ही होगा, वो अनस्टेटेड है, बट इट इज बिलीव्ड, इट इज सपोज्ड टू बी ट्रू, सपोज्ड टू बी लॉजिकल. इम्प्लिसिट का मतलब होता ही है हिडन, राइट. चलिए, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी. देख लीजिए, ये इंस्ट्रक्शंस होंगी और उसके बाद आपको बताना है फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट है या सिर्फ सेकंड है या सिर्फ थर्ड है या ईदर है या फिर दोनों है और या फिर नीदर है, दोनों में से कोई भी नहीं है. इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, इन माय ओपिनियन यू शुड गेट ट्रेनिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सन इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ. बताइए विच वन. आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द स्लाइड्स? यस. विच वन डू यू थिंक मेक सेंस? हाँ जी, बताइए प्लीज. यस, लेट्स ट्राई, कम ऑन, लेट्स गेट इनटू द एक्ट. व्हाई हैड आस्क्ड फॉर एडवाइस फ्रॉम एक्स, ये क्लियर होता है इससे? क्या ये डेफिनेट है कि वाई ने एडवाइस मांगी होगी तभी दी है उसने? इन माय ओपिनियन, अरे भाई यहां तो सभी ओपिनियन देने में एक्सपर्ट्स हैं, है ना. ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने ओपिनियन मांगा ही है. फाइन. सेकंड, एक्सपीरियंस पर्संस आर बेटर एबल टू गाइड अ पर्सन टू द पाथ ऑफ सक्सेस. या इसके बेसिस पे ये तो हम कह सकते हैं. फाइन, डिड ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड इट? चले आगे. देखिए, आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती है ना तो प्लीज इंटरप्ट, प्लीज से दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना. नहीं तो मैं ये इंप्रेशन ले लूंगा कि आपको क्लियर हो गया है, एंड देन आई शैल मार्च फॉरवर्ड. यस जी, ओनली सेकंड, फर्स्ट नहीं. कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने एडवाइस मांगी ही है ना. बिना मांगे भी हम लोग एडवाइस दे देते हैं. इनफैक्ट स्ट्राइकिंगली ज्यादातर सलाहें हमारे देश में बिना मांगे दी जाती हैं, एम आई राइट? वो चाहे हमें अनॉय कर दें बाद में. चलिए, मन में हम सोचे कि तुझसे पूछा भाई किसी ने. चलिए, मिस युक्ता मुखी ऑफ बॉम्बे हैज वन द मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट. जानते हैं युक्ता मुखी को? जानते हैं? अच्छा, वो मैम जानती है, आप नहीं जानते? अच्छा, सर जानते हैं. मैं ये तो मेरे को पता था, एक ना एक मेल तो जानता ही होगा कोई ना कोई. चलिए, यस, विच वन, द रिजल्ट ऑफ मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट इज आउट. तभी तो हमें पता चला है कि कौन जीता, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है. सेकंड, द होनोलुलु गवर्नमेंट ऑलवेज परमिट्स द होल्डिंग ऑफ सच कॉन्टेस्ट. नो, व्हाई? ऑलवेज, वेरी गुड. वो तो बड़े ब्राइट आप लोग, वेरी गुड. ये जो ऑलवेज वाली चॉइसेस होती है ना, ऑलवेज, नेवर, है ना, ऑल, नन, ये जनरली गलत होती हैं, मोस्टली. व्हाई? क्योंकि ये एक्सट्रीम चॉइसेस होती हैं और एक्सट्रीम चॉइसेस अक्सर गलत होती हैं, अक्सर, हमेशा तो नहीं. चलिए, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप या तो उसको पिक्चर ले लीजिए या फिर ये लिख लीजिए. इन वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है. ये जो वर्ड्स हैं, बेस्ट, वर्स्ट, एक्सक्लूसिवली, सर्टनली, रेयरली,
रेयरली प्रॉबली तो स्टिल ठीक है, ओनली डेफिनेटली ये वाली चॉइसेस अक्सर गलत होती हैं। ठीक है जी, चलें आगे। नो ओके ओके नॉट अ प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। शैल वी कंटिन्यू? टेक योर टाइम, आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। चले फाइन, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स हैज फॉलन टू अबिस्मल। अबिस्मल मींस बहुत लो, हाँ लोएस्ट लेवल्स, एंड वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू इंप्रूव द ट्रेनिंग फैसिलिटीज। ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव करना चाहिए। द फर्स्ट वन, द ट्रेंड ऑफ द फॉलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स विल प्रोबेबली बी अरेस्टेड बाय इंप्रूविंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज। प्रोबेबली तो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि अगर ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर दिया जाए तो हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर होगा। राइट और रॉन्ग? सो इट इज लॉजिकल। नेक्स्ट वन, द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स विल डेफिनेटली बी अरेस्टेड। नो, व्हाई? तो सिर्फ ये देख के कि डेफिनेटली है, हम लोग ये डिसाइड कर देंगे, डिटर्मिन कर देंगे कि ये गलत है। डेफिनेटली क्यों गलत है? That also we need to understand. ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। वहां हमें लिखा है the standard of Indian sports काफी नीचे गिर गया है और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम training facilities बेहतर करें। Now there is a question. ये ठीक है, लिखा गया है कि training facilities को improve कीजिए, but has it been written कि सिर्फ lack of training की वजह से ही standard गिरा है? कुछ और factors भी तो हो सकते हैं ना। So, इसीलिए वी हैव टू पिक द प्रोबेबली वन। डेफिनेटली हम नहीं कह सकते। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? चलिए ग्रेट, लेट्स कंटिन्यू। इंडिया विल नॉट अचीव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अनलेस इट अडॉप्ट्स द फ्री इकोनॉमी मॉडल। ये एक ही है, बताइए एप्लीकेबल है या नहीं? व्हाट डज द वर्ड अनलेस मीन? जब तक ये नहीं हो जाता है ना। तो मतलब इंडिया डज नॉट हैव अ फ्री इकोनॉमी मॉडल। वो कह रहे ना कि जब तक ये नहीं हो जाता, दैट मीन्स अभी हुआ नहीं है। राइट, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, प्रीटी सिंपल, इज इट रीडेबल एट द बैक? आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? लॉजिक नहीं है। अच्छा जी, हार्श लाइफ। अच्छा, ऊपर लिखा है पुअर पीपल ऑफन फेस अ हार्श लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ होती है ना। नीचे लिखा है अजम्पशन है कि देयर आर पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। तो अगर पुअर पीपल हैं तभी तो हार्श लाइफ लीड करते हैं वो। अगर पुअर पीपल होंगे ही नहीं तो हार्श लाइफ कैसे लीड करेंगे, है ना? नहीं क्लियर हुआ? हो गया? इट वॉज क्वाइट ईजी। कई बार ना जब क्वेश्चन बहुत इजी होता है तो भी हमें लगता है मेरे स्टैंडर्ड का थोड़ी है, इतना इजी थोड़ी आएगा। राइट, है ना? कोई बात नहीं, कोई कोई आसान भी है, माफ करके सॉल्व कर दिया करो उनको। ठीक है, चले आगे चले। सिंस यू लैक टैलेंट यू कैन नॉट बी एडमिटेड टू दिस प्रोग्राम। आपके लिए नहीं है ये। यस, टैलेंट इज एसेंशियल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम, इज इट सो? Yes, it is absolutely correct. चलिए, अब ये questions हैं जिनको आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये appeal वाले questions, जो advertisement वाले questions। आपने टीवी में एक advertisement देखा, अगर हम ये वाले standards उस पर apply करें so we get to understand कि कुछ चीजें तो सच हैं। पहला, जो वो हमें बेचना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम खरीदें। राइट, एडवर्टीजमेंट का एक पर्पज होता है। अच्छा,
जो एडवर्टीजमेंट इश्यू करता है उसको अथॉरिटी भी होती है ना। चलिए, एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस, अपील्स, उनके केसेस में ये वाली अजम्पशंस बिल्कुल अप्लाई होंगी। एक एक करके समझते हैं। पहला, द एड, अपील और द नोटिस डज हैव सम इफेक्ट। सो अगर मेरे को कुछ लग रहा है कि जो नोटिस मैं दे रहा हूं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सुनने नहीं वाला कोई, है ना, तो मैं क्यों कहूंगा? जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं, वो होमवर्क दे तो देते हैं पर बच्चे करते नहीं है। थोड़े दिन बाद उनको भी ये रियलाइज होता है कि हम दे क्यों रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? नोटिस वो तभी दे रहे हैं विद एन अजम्पशन कि ये कुछ फर्क पड़ेगा। सेकेंड, एड्स में ना द थिंग हाईलाइटेड इज डिजायर्ड, है ना। अब कोई एडवर्टीजमेंट इसलिए थोड़ी बनाता कि हाँ जी मैं ऐड तो कर रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर से बुलवा देता हूँ कि ये बैटरी अच्छी है पर लोग खरीदे ना, इट्स ऑफ नो यूज, है ना। थर्ड, फॉर अ पब्लिक नोटिस जो बॉडी इश्यू करती है उसकी ड्यूटी है वो नोटिस इश्यू करना। ये पब्लिक नोटिसेस के केस में बिल्कुल सही अजम्पशन होता है ना, नेचुरली। फोर्थ, इन केस ऑफ अ पब्लिक नोटिस द एडवाइस गिवन बेनिफिशियल होना चाहिए, है ना। आपने कोई ऐसा नोटिस देखा है कि खूब तेज गाड़ी चलाओ, रेसिडेंशियल एरियाज में तो और तेज चलाओ, है ना, और हेलमेट ना पहनो तो और भी बढ़िया है, बाल खराब हो जाते हैं, राइट? ऐसे नोटिसेस नहीं देखते ना आप? क्यों नहीं देखते? क्योंकि इनका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, राइट? इन केस ऑफ अ नोटिस रिजल्ट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग विल बी यूजफुल फॉर द इशूइंग बॉडी स्पेसिफिकली, जो इशू कर रहा है उसके। जैसे कोई कंपनी है, अब वो कह देते हैं कि आज से नोटिस इशू हो रहा है कि सब लोग 9 बजे की जगह 8:30 बजे रिपोर्ट करेंगे। Does it make sense? It does. Company के लिए तो अच्छा ही है ना, है ना? चलिए, in the context of an appeal, there are reasons. कुछ तो reasons होने चाहिए, है ना? ये थोड़ा कि बड़े दिन से कोई notice नहीं issue किया, चलो फिर notice ही कर देते हैं कोई, है ना? There need to be certain reasons. So I hope you have been able to understand these. अब थोड़े से difficult questions, slightly difficult questions की तरफ हम march कर रहे हैं. And the people who keep getting the right answers will keep winning chocolates, जो आपको deliver होंगी someday, बहुत जल्द. Does have some effect? Add, appeal, notice. हाँ जी, does have some effect, बिल्कुल सही है. क्या doubt है आपका? मैं समझा नहीं, please come again. हो गया clear? चलिए. Fine. Every worker in this company will report in time from tomorrow. A company notice. Workers have the ability to understand. बताइए जी, ये जो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा ना, that person will get a chocolate. बताओ जी करेक्ट आंसर बताएं. Take your time. Second? दोनों? How many people think it is both? अरे वाह, सबका आंसर ठीक है भाई, बिल्कुल सही. वाई शुड इट बी बोथ? लुक एट द फर्स्ट वन, वर्कर्स हैव द एबिलिटी. अगर वर्कर्स के पास वो एबिलिटी है ही नहीं टू अंडरस्टैंड द नोटिस, तो फिर नोटिस इश्यू ही क्यों होगा? देयर इज नो रीजन, है ना. सेकेंड, वर्कर्स मे रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. अगर उनको मालूम है कि वर्कर्स ने ना पढ़ना है और ना फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को, तो भी कोई रीजन नहीं है नोटिस देने का. So both in case. चलिए, please count your cash carefully before leaving the cash counter. बताइए. Quite easy. Take your time. शाबाश शाबाश. सोचे. First true है? ठीक है जी. First को देख लेते हैं. सर कह रहे true है. It is the duty of the bank to ensure that people get correct amounts. क्या ये बैंक की ड्यूटी है कि लोगों को करेक्ट अमाउंट देकर भेजा जाए? नो? हाँ, यस यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है. अब बिल्कुल सही बात, कैशियर इसीलिए बैठा है वहां पे. करेक्ट. सेकेंड, ये गलत है? ट्रू है? सही है जी. All right.
अनलेस फोर वॉन्ट पीपल मे नॉट काउंट द कैश. नहीं सर, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सीधा उठा के पॉकेट में डालें, ये अज्यूम करके कैशियर है इसने तो ठीक ही दिए होंगे, है ना. ठीक है, सो दोनों करेक्ट हैं. नहीं नहीं बनी बात, चलो मैं सेकंड समझाता हूं आपको. अनलेस फोर वॉन्ट, अगर फोर वॉन नहीं किया है सो पीपल मे नॉट काउंट. पीपल मे नॉट काउंट, मे मतलब कोई गारंटी नहीं है, करें ना करें, पर शायद ना भी करें, है ना. हाँ जी, क्या करने से पहले, हाँ यू आर राइट बिल्कुल. और कितने लोग करते हैं वो चेक, ऑनेस्टली बताइए, जब आप फ्यूल डलवाने जाते हैं कितने लोग जीरो चेक करते हैं? मैम करती हैं, सर करते हैं, वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू, इवन आई डोंट. सो मेरे जैसों के लिए शायद ये सेकंड भी सही है. चलिए लेट्स कंटिन्यू. फाइन, नेक्स्ट वन, ट्रैवल एयर इंडिया फॉर कंफर्ट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब. ट्रैवल एयर इंडिया फॉर कंफर्ट, टाइमलीनेस एंड इकोनॉमी, एन एड इन अ पेपर. अजम्पशन क्या है? एयर इंडिया इज द ओनली एयरलाइन ऑपरेटिंग. फॉल्स. व्हाई? ओनली. यहां से ये नहीं पता चल रहा कि सिर्फ एयर इंडिया ही एक एयरलाइन है ना. चलिए सेकंड, एयरटेल इज द फाइनल. इसके लिए यू विल डेफिनेटली गेट अ चॉकलेट विद द लॉजिक. फॉल्स है. अगर ये कह रहे हैं कि फाइनेस्ट है तो फिर अदर तो उससे इंफीरियर हुए ही. बट यू आर राइट, आंसर सही है आपका. नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन दिस टू मी. आप लॉजिक एक्सप्लेन कर दीजिए, आई विल गिव अ चॉकलेट टू यू टुमारो. यस, एनीवन? क्यों सर, अगर वो फाइनेस्ट है तो बाकी तो फिर इंफीरियर हुए. अच्छा सुनिए, एक चीज को हम कह रहे हैं ये सबसे अच्छा है तो दूसरी चीजें तो उससे खराब ही हुई. लेकिन है ये सही जो इन्होंने आंसर दिया ना कि ये इंप्लाइड अजम्पशन नहीं है, इनका आंसर करेक्ट है. अब आपने लॉजिक ढूंढना है, तभी तो चॉकलेट इनाम रखा गया इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली. एनीवन? नहीं, शैल आई टेल? हाँ, वो कह रहे हैं कि सर एयरटेल जो है वो बेस्ट है और इसीलिए ऑल अदर सेल फोन्स एक्सेप्ट एयरटेल आर इनफीरियर टू इट, यानी बाकी सब एयरटेल से कम है. ट्रू हुआ? नहीं नहीं, इंडिया इंडिया अमेरिका की बात है. जी सर. अच्छा आप क्या कह रहे हैं? ओके, और कोई? जी जी बिल्कुल, उससे कम है, यही तो बात है. जी आप आंसर करना चाह रहे हैं? ओके, तो अगर मैं कहता हूं कि ये फाइनेस्ट है तो क्या ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि दूसरी चीजें उससे कम फाइन है? नहीं. अच्छा, और कोई आंसर? जी ओके, और आप आंसर करना चाहते हैं? आई थॉट यू वर रेजिंग हैंड. नो, बिल्कुल है ना, बट जो इन्होंने आंसर दिया था वो करेक्ट था, ये इंप्लाइड अजम्पशन नहीं है. अब क्यों नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इसी को कहते हैं वर्बल रीजनिंग, वो रीजनिंग जो वर्ड्स पे डिपेंड करती है, वर्ड्स पे बेस्ड है. देखिए, एयरटेल इज द फाइनेस्ट सेल फोन सर्विस, सॉरी, एयरटेल इज द फाइनेस्ट सेल फोन सर्विस इन इंडिया. एयरटेल इंडिया में बेस्ट सेल फोन सर्विस है. ऑल अदर सेल फोन सर्विसेज आर एक्सेप्ट एयरटेल आर इंफीरियर टू इट, बाकी सारी उससे इंफीरियर है. सेल फोन सर्विस में बहुत कुछ आ जाता है. आपने अज्यूम कर लिया नेटवर्क, अब उसमें डेटा स्पीड है, अब उसमें कस्टमर केयर की जो सर्विस है वो भी है. तो हम सब कुछ मिला के द वर्ड सर्विसेज में सब कुछ आता है. जब हम ये कहते हैं फाइनेस्ट सेल फोन सर्विस तो सिर्फ सेल फोन सर्विस, सेल फोन अच्छा है, समझ गए आप. कस्टमर केयर सपोर्ट शायद अच्छा हो ना हो, वी डोंट नो. तो हम ये इसीलिए नहीं कह सकते. सो सॉरी फॉर दैट. या तो ये जो वर्ड है, दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस. सिर्फ सेल फोन सर्विस में अच्छा है वो,
बट ये नहीं कह सकते ऑल अदर सेलफोन सर्विसेज एक्सेप्ट एयरटेल, राइट? ठीक है, क्लियर? इंटरनेट इज यूजफुल टू ऑल, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए भी चॉकलेट दूंगा मैं आपको, पर करेक्ट होना चाहिए आंसर विद द लॉजिक. फॉल्स, व्हाई? हु सेज इट इट इज फॉल्स? यस, बोलिए. ऐसे लगा, लगना भी ठीक है, वैसे लगना जरूरी भी है, लगना चाहिए जी. और किसी को भी लग रहा है? यस सर, ट्रू है, ठीक है. और क्यों ट्रू है सर? ओके, एनीवन? तो मतलब सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल. और लॉजिक? यार आंसर्स आपके सारे ठीक होते हैं, लॉजिक नहीं होता बस. सही, चलिए पेपर में आंसर सही मतलब है. फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? यू राइट. ओ माय गॉड, वैसे दिस इज क्वाइट लॉजिकल. इन्होंने कहा एनिमल्स में जानवर भी हो सकते हैं. करेक्ट करेक्ट, आई एग्री आई एग्री. बहुत अच्छा आंसर, वेल ट्राइड. और कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स ट्राई, लेट्स नॉट स्टॉप. कुछ लोग की तो आवाज सुनने को कान तरस गए मेरे, कितनी अच्छी जिंदगी चल रही, कोई रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे, मजे से बैठे. कम ऑन, लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस. नो, चलिए लेट्स डिस्कस इट. इंटरनेट इज यूजफुल टू ऑल, बिल्कुल ठीक. सेकंड कह रहे हैं बट इंटरनेट इज नॉट यूजलेस टू एनीवन. थिंक ऑफ अ पर्सन, हरियाणा से है हमें से कोई, पंजाब से ही ले लेते हैं चलो, हु लिव्स इन द इंटीरियर्स ऑफ पंजाब, हु इज एन ओल्ड मैन 95 years of age, जिनके पास ना सेल फोन है ना उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी उनको मालूम है, सो इट इज यूजलेस टू हिम. जो यूज कर रहे हैं ना आपके जैसे मेरे जैसे, उनके लिए इट इज यूजफुल. वो है वो ऑल, जस्ट लाइक मैम सेड, वो है वो ऑल जिनके लिए इट इज यूजफुल. अदरवाइज बाकी लोगों के लिए यूजलेस ही है, क्योंकि सब लोग यूज नहीं कर रहे, है ना. शैल वी कंटिन्यू? नेक्स्ट वन, प्रिटी सिंपल, सो सॉरी फॉर दैट. ओनली सेकेंड, ओके. अदर्स, व्हाट डू यू से? द फर्स्ट वन इज ऑलवेज बाय मंगती आटा, लार्जेस्ट सेलिंग वीट आटा विद द मैक्सिमम रेंज ऑफ वैरायटी, द बेस्ट चॉइस फॉर होम्स. मैक्सिमम रेंज है, यानी वो रेंज और दूसरे जो आटा है उनके पास नहीं है. सो द फर्स्ट वन नहीं हुआ, क्यों? नो अदर ब्रांड. और ऊपर क्या लिखा है? मैक्सिमम रेंज ऑफ वैरायटी. इफ आई से He has got the maximum number of marks, right? तो यही मतलब हुआ ना कि बाकी लोग के उतने marks नहीं है, तो applicable हो गया. ना ना बोल, that's right. Add में जी, maximum marks same भी हो सकते हैं. Absolutely, very logical, very logical. Maximum तीन लोग के पास भी हो सकती है variety, चार लोग के पास भी हो सकती है. Spot on. वेरी वेल डन, गुड. ठीक है, सबको समझ आ गया? फर्स्ट एप्लीकेबल नहीं है, सेकेंड एप्लीकेबल है, तभी वो बना रहे हैं वो एड्स. एब्सोल्यूटली करेक्ट. चले आगे, आप लोग थके तो नहीं? चलिए, इसके लिए भी चॉकलेट है. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. Pretty simple. Only one. Okay. Why? Only one. Why not the second?
जो चीज चाहिए ना एग्जाम क्लियर करने के लिए वो तो आप में है, आंसर्स आपके सारे करेक्ट होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए ये भी करेक्ट है आपका आंसर, लॉजिक थोड़ा सा हिला हुआ है बट लेट्स डिस्कस इट, तो वो भी फिक्स हो जाएगा। सिनेमा टिकट रेट्स हैव बीन रिवाइज्ड टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ हायरिंग मूवी रील्स। तो एक बात तो हम समझ गए कि रील्स को हायर करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। चलिए अब अर्लियर द फर्स्ट वन द टिकट रेट्स पार्टली डिपेंड ऑन द हायरिंग चार्जेस, नेचुरली है ना, अगर वो उस पर डिपेंड करते हैं तभी तो रेट्स को रिवाइज किया गया है। द सेकेंड इज अर्लियर द रेट्स वर वेरी लो, रेट्स पहले कम थे या ज्यादा वी डोंट नो, हमें बताया ही नहीं गया है, हो सकता है पहले भी ज्यादा ही हो लेकिन मूवी रील्स हायर करने के रेट्स और बढ़ गए तो इसलिए वो ज्यादा रेट्स को और ज्यादा करना पड़ गया। सो डज दैट मेक सेंस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वन, हियर वी हैव थ्री, टू एंड थ्री, वाई नॉट द फर्स्ट वन? ऑलराइट, क्वाइट लॉजिकली सेज अगर स्पोर्ट्स पर्सन कोई है तो उसको स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ना पसंद ही नहीं होगा, है ना, यही कह रहे हैं आप? अच्छा हाँ, ये नेसेसरी नहीं है कि जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ रहा है वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होगा, है ना। आप में से कितने लोग, एब्सोल्युटली कुछ अवेयर सिटीजंस, कुछ एक्साइटेड सिटीजंस, है ना, कुछ क्रेजी सिटीजंस, सो मेनी पीपल लव क्रिकेट इन इंडिया बट दे डोंट ऑल प्ले क्रिकेट। सो पहला तो लॉजिकली फॉलो नहीं हो रहा, सेकेंड नाउ द स्टेटमेंट इज अ न्यूज़पेपर ने क्लेम किया है अपनी नई एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड रूल्स हमने देखे थे पहले, है ना, दैट इट हैज डेडिकेटेड हाफ ऑफ इट्स पेजेस टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, ट्रू, इज इट ट्रू? या पीपल हु फॉर्म द टारगेट मार्केट ऑफ दिस न्यूज़पेपर आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड न्यूज रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आइटम्स, दैट इज व्हाई दे हैव डेडिकेटेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर पेपर टू स्पोर्ट्स, बिकॉज जो टारगेट ये चाहते हैं ना कि लोग पढ़ें फिर पेपर, ये नहीं ना चाहते कि हम तो दे दें पेपर लेकिन पेपर बिके ना, हम रोड पे आ जाए, नोबडी वांट्स दैट टू हैपन, राइट, क्लियर? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, ट्रू है क्यों, फॉल्स है? ओके, फॉल्स क्यों है? Okay. Other newspapers most likely have a smaller proportion of their pages. पता क्या है? वर्बल रीजनिंग में एक लॉजिक ये है, एक रूल ये है, और एन अनस्टेटेड कन्वीनियंट। हम लोग ना गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर ज्यादा जा नहीं सकते। So, अगर ये गिवन है अदर न्यूज़पेपर्स मोस्ट लाइकली हैव अ स्मॉलर प्रोपोर्शन, हाउ डू वी नो अबाउट इट? ऑथर ने हमें नहीं बताया, क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि बाकी न्यूज़पेपर्स का कितना है। हो सकता है कि बाकी न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी ज्यादा हो और उनकी सेल ज्यादा हो, उनकी रीडरशिप ज्यादा हो, इसीलिए उनसे कंपीट करने के लिए हमने ये किया हो, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाई नॉट, है ना। सो ये भी गलत है, मोस्ट की जगह पे क्या होता, मे और लाइकली, मे और लाइकली तो कोई इडियम है ही नहीं, मे लाइकली काट दीजिए, मे हैव अ स्मॉलर प्रोपोर्शन
of the, even then we don't have any information regarding the other newspapers. There's been nothing. Nothing has been told by the question about the other newspapers. We really don't know anything about it. And because we do not know anything about it, it is not advisable to form opinions, to form conjectural opinions about it. Right? You cannot do that. Clear? Fine, let's move forward. Pretty easy, this one, just like others. Easy hai ye bhi. Both? Dono? Pehla kyun hai bhai? तभी तो वो कह रहे हैं कि by natural cosmetics, है ना? नहीं तो वो ये adjective ही नहीं होता फिर. ये adjective होता ही नहीं, then they would have said by cosmetics. So अगर cosmetics वो खरीदने को कह रहे हैं और natural ones, that means even the artificial ones can be prepared. And what is this? ये तो natural है ना? Human tendency है ये तो. We all love to look good. चलिए great, ठीक है जी. Spot on. दोनों हैं. हाँ दोनों हैं. देखिए, where are we? Yeah, here we are. Artificial cosmetics can be prepared. इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि natural वाले खरीदना, बनते तो artificial भी हैं. Both exist, है ना? फंसना मत. Don't be fooled. और ये तो है ही, तभी वो ऐड दे रहे हैं. चलिए नेक्स्ट वन. Why not the first one? What is outdated? Outdated जो चीज होती है, अब के जमाने के हिसाब से outdated चीज है landline phones. आपने वो discard कर दिए होंगे, नहीं होंगे आपके घर पे landline phones के रखे हैं अभी, हैं? कितने लोग हैं यार? That is quite different to know. है क्या? अरे वाह, इनके घर पे दो हैं. कितने लोग के घर पे लैंडलाइन फोन? हाथ खड़ा करो. 1, 2, 3. दैट्स नाइस. 4. एक्चुअली ज्यादातर जनता ने वो डिस्कार्ड कर दिए हैं क्योंकि अब उनको वो आउटडेटेड लगने लगे हैं. सो लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं सिस्टम रिक्वायर्स थरो ओवरहॉलिंग, रिप्लेसमेंट नहीं, ओवरहॉलिंग. पुरानी गाड़ी अगर आप उसका इंजन वगैरह ओवरहॉल करवा लें या घर रेनोवेट करवा लें तो ये थोड़ा होता है कि ये घर ही चेंज हो गया, घर तो वही है ना. सो द फर्स्ट वन इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट आउटडेटेड बट इट नीड्स ओवरहॉलिंग. सेकंड, ट्रू ट्रू नहीं. तभी तो कह रहे हैं नीड्स रिक्वायर्स, इसको जरूरत है, है ना? It is said that it requires. So if it requires, then it is obviously assumed that it will improve the performance. Right? Is it clear? चलिए, strong and weak arguments, इनकी एक example हमने देखी भी थी, discuss भी किया था. Strong arguments are those arguments जो directly related होते हैं logic से, और logically ही अपने yes या no को support करते हैं. So it is not the yes or the no that make all the difference to the strength or the weakness of the argument. On the other hand, it is the logic that is represented, that is highlighted, right? That is posited as the reason. So jo reason posited hai, wahi determine karega argument strong hai ya phir weak hai. Fine. सिमिलरली एक वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका लॉजिक से कोई लेना देना होता नहीं है. सो क्योंकि ये लॉजिकली सपोर्ट नहीं कर पाता आर्ग्यूमेंट को, रादर स्टेटमेंट को, इसीलिए ये वीक होता है. फाइन, इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है जी. राइट, एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट वन आर्ग्यूमेंट टू गिवन होता है, देन फाइव चॉइसेस होती हैं या फोर चॉइसेस होती हैं, जनरली फाइव होती हैं. आर्ग्यूमेंट वन स्ट्रांग है तो आप वन को टिक करेंगे, टू स्ट्रॉन्ग है तो टू होगा आपका आंसर, ईदर है तो ईदर थ्री होगा, और अगर नीदर है तो फोर होगा, और अगर दोनों ही है तो फाइव होगा.
चलिए यस, ये स्ट्रांग है या वीक है? तसल्ली से सोच के बताना, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। वीक है? क्यों क्यों वीक क्यों है? बस लग रहा है नहीं, वीक है क्यों? सही नहीं बोल रहा यार ये, पर्पस ऑफ अ पर्सन लाइफ इज टू लिव, नहीं? अच्छा क्या आप ये गलत कह रहे हैं कि आप पर्पस ऑफ अ पर्सन लाइफ इज टू लिव? क्यों इसके बाकी पता नहीं, दैट इज इंटरेस्टिंग, ये हमने तो बता दिया जी, बाकी पता नहीं, बाकी देख लो। ठीक है, और कोई, और कोई आंसर? यार बात पता क्या है, स्टेटमेंट सेज रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक द कुंभ शुड बी बैंड क्योंकि मेनी पीपल डाई इन स्टैम्पीड्स, और फिर आंसर में है कि हाँ ये होना चाहिए क्योंकि हमारा पर्पस तो जीना है मरना नहीं। तो अगर कोई कुंभ के मेले में जाए तो ये सोच के थोड़ी जाएगा यार ये दुनिया का सबसे अच्छा सुइसाइड पॉइंट है, मेरी गर्लफ्रेंड मान रही, मैं वहीं जाके मर जाऊंगा। अब वो मर रहे थोड़ी जा रहा है एक्चुअली, वो तो बेचारा दर्शन मतलब जो भी करते हैं वहां स्नान वान जो भी करते हैं वो करने जा रहा है, वो मरने तो वैसे भी नहीं जा रहा। तो आप कुंभ का मेला बैन करने की जगह द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक श्योर के स्टैम्पीड्स ना हो। कुंभ का मेला थोड़ा मार रहा है, स्टैम्पीड मार रहा है। या तो ये होता कि कुंभ के मेले में जितने जाते हैं वापस ही कोई नहीं आता, वो भी नहीं है, एम आई राइट? सो इसीलिए ये वीक है। नेक्स्ट वन, शुड वी स्क्रैप आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिंग इन इट्स प्लेस अ न्यू वन? वीक है, बहुत वीक है क्यों? बहुत ही वीक है क्यों? है बहुत ही वीक, Why is it बहुत वीक? हाँ जी जी फॉल्स। जब हमें समझ नहीं आता ना कि कोई चीज क्यों गलत है, लॉजिक नहीं होता, तो हम पता क्या कहते हैं, ये लॉजिकल नहीं है बस। इसका रीजन ये है कि द वर्ड ओल्ड, ये जो चीज है ना ओल्ड थिंग्स, इस वक्त ये कैमरा भी कुछ दिन पुराना है एंड इट इज बीइंग यूज्ड, है ना, दिस सिस्टम ये भी पुराना है, ये फिल लाइट्स, राइट? आप भी मैं भी, कोई ज्यादा पुराना है कोई कम पुराना है, पुराने तो सब हैं। चलिए सो इसीलिए ये एक सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट वन, शुड वी अलाउ फॉरेन प्रिंट मीडिया टू ऑपरेट फ्रॉम आवर टेरिटरी? नहीं करना चाहिए क्योंकि फॉरेन प्रिंट मीडिया आर यूजलेस। वीक, वेरी वीक। ये आई मीन ये ना एक इलॉजिकल एक आंसर है कि वो वीक है, दैट्स इट, वो अच्छे नहीं है, है ना, एम्बिग्यूस, इट डजंट हैव वेट। चलिए नेक्स्ट वन, शुड वी मेक फैमिली प्लानिंग कंपल्सरी इन इंडिया? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, नुकसान क्या है इसका? वीक है, स्ट्रांग है? वीक है, स्ट्रांग है? आइए, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, क्यों नहीं, क्यों नहीं? सो इट इज अ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग द पर्सन कि तू ही बता भी क्यों नहीं, दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, वेयर इज द आर्ग्यूमेंट, राइट? ये बूमरैंग टाइप क्यों लिखा है, तो ये वापस उसी पे जा रहा है, सॉरी काउंटर क्वेश्चन तो नहीं लेकिन एक रिवर्स क्वेश्चन है ये। एक ने आपको पूछा कि कर देना चाहिए, आप उसको बोलो तो भाई तू ही बता क्यों नहीं, तो जिसने क्वेश्चन पूछा आपने आंसर में उसको क्वेश्चन ही पूछ लिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बूमरैंग टाइप। बूमरैंग मालूम है क्या होता है? मोगली, याद है
जंगल जंगल बात चली है, चलिए वो उसी का जो जो वेपन हुआ करता था. फाइन, शुड इंडिया हैव अ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट? नो, वी शुड नॉट हैव. व्हाई शुड वी डू सो? हमें क्या जरूरत है? हमारी सरकारें तो अच्छा कर रही हैं. वीक, ये कोई आंसर नहीं है. व्हाई शुड वी डू सो, ये वैसा ही है कि मतलब तू ही बता भी क्यों नहीं. एक पूछ रहा है कि क्यों, दूसरा पूछ रहा है क्यों नहीं. नेक्स्ट, वी शुड एंजॉय आवरसेल्व्स टू फुल बिफोर सेइंग गुडबाय टू दिस वर्ल्ड. पूरा एंजॉय करना चाहिए इसके हिसाब से चलो. तो छोड़ो पेपर पूपर यार, है ना, एंजॉय करते हैं. यस, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? व्हाई इज इट वीक? अच्छा, टेल मी द लॉजिक, व्हाई इज इट वीक? शाबाश, वेल डन. ये जो एनीथिंग है ना, व्हाट इज एनीथिंग, ये सोच क्या कुछ भी नहीं करने देती आपको. अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई करने का नाटक कर रहे हो, तो कुछ तो कर ही रहे हो, है ना. अच्छा, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड? रेज योर हैंड्स. कुछ लोग ने सुना ही नहीं. आपने ना कभी जागरण में गए हो? देखा होगा जागरण. उसमें क्या होता है, उसमें ना वो जो गाने गाने नहीं, मतलब जो भजन गा रहे होते हैं दो सिंगर्स, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना बोलते हैं बोलो जय माता दी. वो क्यों बुलवाते हैं? वो इसलिए कि जो सो रहे हैं वो जाग जाएं. तो आप लोग भी जाग जाइए, है ना. कुछ लोग को तो पीछे बैठ कर तो स्पेशली नींद ही आ रही होगी, है ना. पंखे चल रहे आराम से, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, गर्मी का कुछ पता नहीं चल रहा. आहा, ब्लिस. चलिए, लेट्स कम बैक, लेट्स यूज दिस टाइम. शुड वी बैन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉइज एवरीवेयर? यही तरीका है उनको डिसिप्लिन सिखाने का. वीक, होने वाले एम्प्लॉइज हो, आपको ये पसंद आना ही नहीं था. यू आर राइट, दिस इज वीक. अच्छा, वैसे क्यों वीक है? ओनली शुड ऑल पीपल गो टू द हिल्स? ये देखिए, लॉन्गेविटी, लंबी जिंदगी. वीक है? करेक्ट, वीक है. शुड इंडिया एम एट इंप्रूविंग इट्स फीमेल लिटरेसी रेट टू कंट्रोल द बूमिंग पॉपुलेशन? देखिए, स्ट्रॉन्ग है? रेज योर हैंड्स इफ यू थिंक इट इज स्ट्रॉन्ग. मेजॉरिटी. रेज योर हैंड इफ यू थिंक इट इज वीक. आपका तो हाथ ही नहीं खड़ा हुआ. आप किस कैटेगरी में? स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन. अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बूमिंग पॉपुलेशन है, क्या इसके लिए सिर्फ विमेन जिम्मेदार है? आर विमेन सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बूमिंग पॉपुलेशन? कि ठीक है, विमेन रिस्पॉन्सिबल है, फिर तो उनको पढ़ा के हो जाएगा काम. इट इज बोथ मेन एंड विमेन. कुछ होगा कुछ नहीं होगा. दिस स्टेप शुड सर्टनली बी सक्सेसफुल बिकॉज सक्सेसफुल. ये स्टेप सक्सेसफुल हो जाएगा बिकॉज एजुकेटेड वुमेन. देखिए रीजन क्या कोटेड है, एजुकेटेड वुमेन कैन बेटर अंडरस्टैंड. एजुकेटेड मैन ऑल्सो नीड टू बी देयर, दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वुमेन का अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई. वो तभी तो बात कर रहे हैं सर, सिर्फ फीमेल लिटरेसी से बूमिंग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, आपको मेल्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा इन चीजों पर. अगर क्वेश्चन में यह कहा है कि फीमेल्स को ज्यादा पढ़ा दो और पॉपुलेशन उसे कंट्रोल हो जाएगा, डज इट मीन कि हम ये मान लें कि फीमेल्स अकेले ही बच्चे कर लेती हैं? फिर तो वही बात हुई फिर, है ना, वही हुआ ना. That really doesn't make sense. When we produce a child, right? I mean, males or the entire population for that matter, males or females, dono responsible hai bhai uske liye. Aap sirf it is like blaming only women. Isliye galat hai. Clear? Shall we proceed further?
Should the system of internal assessment be abolished in colleges? बताएं. हुआ है किसी के साथ ये? आपके साथ हुआ है? अच्छा, does it exist in colleges? Schools. होना नहीं चाहिए वैसे आइडियली, बिकॉज वी आर वन कम्युनिटी जिसको एक्चुअली अनबायस्ड होना बेहद जरूरी है, बिकॉज वी मेक लाइव्स. चलो एनी हाउ, बट डू यू थिंक इट एग्जिस्ट? अच्छा, सो फिर तो ये सही हुआ आर्ग्यूमेंट, स्ट्रांग हुआ फिर तो. नहीं, वाई? फायदे लाइक उसको तो फायदा हो ही गया जिसको अंडियू लग गया. अच्छा, आप क्या करिए मैम? शुड नॉट बी, आइडियली अ टीचर शुड नॉट बी ऑट नॉट टू बी पार्शियल टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट. शुड द सिस्टम ऑफ इंटरनल असेसमेंट बी अबॉलिश्ड इन कॉलेजेस? ये कहते हैं होना चाहिए क्योंकि इट प्रमोट्स फेवरेटिज्म. माय क्वेश्चन इज, फेवरेटिज्म पहले से है या ये सिस्टम ने प्रमोट किया है फेवरेटिज्म को? फेवरेटिज्म तो पहले से है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम बायस्ड हैं, फेवरेटिज्म हम में है, लेट्स नॉट मेक एनी मिस्टेक अबाउट इट, है ना. डज इट प्रमोट, डज दिस सिस्टम ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्रमोट फेवरेटिज्म, या फिर वो जो फेवरेटिज्म है वो अब्यूज करता है इस सिस्टम को, वो खराब कर रहा है सिस्टम को, मिसयूज कर रहा है सिस्टम को. इट इज नॉट दैट फेवरेटिज्म को ये प्रमोट कर रहा है. अगर फेयर हो, देखिए सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम चलाने वालों की है. अगर हम लोग, या चलो यहां तो सिस्टम ऑफ इंटरनल असेसमेंट नहीं है जहां पे भी आप पढ़े हो, अगर वहां पर सिस्टम ऑफ इंटरनल असेसमेंट को फेयरली फॉलो किया जाता तो सिस्टम ने प्रमोट नहीं करना था फेवरेटिज्म को, सिस्टम सही रहता. So it is the inherent favoritism that abuses the system of internal assessment. Hai na? Do we understand? Is it clear? So ye promote nahi karega isko, but ye isse abused hai. Jo system of internal assessment hai, wo favoritism se hi abused hai. So it is weak. Next. Is it weak? Why? Absolutely. तो नुकसान क्या है उसका? कुछ भी नहीं. There's no harm. Fine. Okay. Should doctors be banned from carrying out private practice? Yes, this will improve the quality of service in public hospitals. No? What will happen? अगर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दी जाए, मेडिसिन की प्राइवेट प्रैक्टिस, फिर उल्टा शायद सर्विस वहां की डिटीरियोरेट हो जाए, बिकॉज देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. जो भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वो नंबर बढ़ जाएगा ना, तो उस पर तो और स्ट्रेस हो जाएगा. चलिए, सो Tip 1, do not bring in external knowledge, do not make assumptions. Fine. You should buy Swift Desire car. Yes, because Sachin Tendulkar says Swift car has the best mileage. Achha, ye Sachin Tendulkar, the likes of Amitabh, the Kohlis, inko kyun bolte hain? Ads mein kyun lete hain inko? Aap sahi mein khareedte ho inki boli cheez? Yes? Impression? चलिए, एक तो छोटे बच्चों के फेवरेट होते हैं तो वो पीछे पड़ जाते हैं कि इसके ऐड में सचिन आता है, उसको लो, चाहे सचिन के खुद के दांत नकली हो, है ना. चलिए, और कोई रीजन? इट क्रिएट्स द हाइप, हाइप क्रिएट होती है तो हमें ये लगता है भाई ये बड़ी कंपनी है, सचिन तेंदुलकर आता है इसके ऐड में, राइट. चलिए, सो इज इट फाइन? ये तो एक्सप्लेन भी है ना.
Just because he says does not mean it is the best car. Tell me. We need to look for logical reasons that support the statement. Agar wo against bhi ja raha hai, even then logic correct hona chahiye. Statement: should people the age of 18 be allowed to drive? Argument 1: people of any age should be free to do what they like. Nahi? Weak? Kyun? Weak? Yehi to freedom hai. Har age mein jo marzi karo. Nahi? Actually, you're right. So first to weak hai, clearly nazar bhi aa raha hai. Second, वैसे डू यू थिंक आज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है? डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन योर जनरेशन और आपसे पहले वाली जनरेशन? डू यू थिंक वो जल्दी मच्योर हो रहे हैं, उनको ज्यादा एक्सपोजर है टू एवरीथिंग, है ना? अब का जो 17-18 साल का जो इंसान है वो आज के 5 साल बाद 17-18 साल का जो होगा वो उससे टोटली डिफरेंट होगा. आपने चलाइए. अच्छा ठीक. अच्छा, अरे माय गॉड, अरे वाह, मैम ने इसका आंसर दे दिया हमें. चलिए अब बताइए ये सही है कि नहीं. पीपल बिलो द एज ऑफ 18 डू नॉट हैव मेंटल इनफ मेंटल एंड फिजिकल मैच्योरिटी टू ड्राइव अ व्हीकल. यस. वीक? डू वी ऑल थिंक इट इज वीक? डू वी थिंक इट इज वीक? तो फिर ये क्यों रखा गया होगा ये रूल? सी, इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट इट इज वीक, इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग टाइम्स इट इज वीक, राइट? क्योंकि फिजिकल मैच्योरिटी की बात कर दी, फिजिकल मैच्योरिटी पर किसी का कोई जोर नहीं है, वो किसी को बहुत जल्दी हो जाती है. चलिए, बोथ आर वीक. नेक्स्ट स्टेटमेंट शुड बी रादर, शुड देयर बी अ डिवोर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर? नो, देयर शुड नॉट बी अ डिवोर्स because they are not a married couple. Strong or weak? Absolutely right. This is a mockery of an argument. This is totally weak. Should exemptions be provided to industries that are set up in backward areas? Argument 1 says no. The goal of these industries is to maximize profits. Weak or strong? Weak. It is weak. Why is it weak? It is based on a generalization. ये एक generalized view है that नहीं 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 करना चाहिए क्योंकि इन सब का काम एक ही है, right? Second one, yes, this will generate employment in backward areas. Weak? Why? क्यों नहीं होगा? एक industry खुल गई backward area में. Labor? और या फिर सारा का सारा staff ही बाहर से आ जाए. आउटसोर्स भी हो सकता है. ये assumptions हैं. ऐसे तो हम ये भी हो सकते हैं कि क्या पता वहां का जो मालिक हो वो एक फर्जी इंडस्ट्री खोली हो, डमी इंडस्ट्री खोली हो, क्या पता अंदर कुछ हो ही ना, है ना? सो लॉजिकली बाय द क्वेश्चन द सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, इट विल जेनरेट एम्प्लॉयमेंट. शुड कॉस्मेटिक कंपनीज बी अलाउड टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल्स बिफोर मेकिंग देम अवेलेबल टू ह्यूमंस? Yes. First one. Strong hai? Cosmetic companies be allowed to test their products on animals before making them available to humans. Imagine karo jo creams aap laga rahe ho pehle. Weak hai? Skin difference. Absolutely. Yes, strong or weak? Are we tired now? No? आपकी सुबह भी क्लास हुई थी 7 बजे से, है ना? अच्छा, कोई बात नहीं. You have the guts, you have the himmat also, you have the energy also. Shabash, I'm proud of you. Let's continue. This step is important to understand whether these products are safe for use by humans. बट अगर आप किसी एनिमल की स्किन पर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अप्लाई कर दोगे, आपने डॉग पे कर दिया, तो हाँ अब ये इंसान को भी चमका देगा. ऐसा थोड़ा होता है. इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल होती है होली के जो कलर्स होते हैं, जब डॉग्स को लगाते हैं तो क्या होता है? थोड़े दिन में वो ठीक हो जाते हैं.
हम में से कुछ को एलर्जी हो जाती है, हमारी स्किन में भी तो वैरायटी है ना, है ना। सेकंड, एनिमल्स आर सब्जेक्ट टू क्रूएल्टी ड्यूरिंग दीज टेस्ट एंड इट इज नॉट राइट टू मेक अनदर क्रीचर सफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस। हम में से एनिमल लवर्स कितने हैं? तो आपको तो स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, ये वीक है क्यों? कि वो अप्लाई करके कोई क्रूएल्टी हो रही है, अजम्पशन है, ये अजम्पशन है। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अच्छा चलो, लेट्स हैव अ डिबेट। हाउ मेनी पीपल थिंक इट इज स्ट्रॉन्ग? रेज योर हैंड्स। व्हाई इज इट स्ट्रॉन्ग? आप इनका मैसेज कन्वे कर सकते हैं क्या? बोले मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, या प्लीज बी लिटिल लाउडर। पानी पीजिए थोड़ा सा और जोर से बोलिए, जैसे जयकारे लगाते हैं जागरण में। हाँ जी, अच्छा, दिस इज क्रूएल्टी फॉर एनिमल्स। ओके, यस, सॉरी, ओके। देखिए, एनिमल्स आर सब्जेक्ट टू क्रूएल्टी ड्यूरिंग दीज टेस्ट। कोई टेस्ट होगा, एनिमल्स के ऊपर क्रूएल्टी होगी एंड इट इज नॉट राइट। नाउ वी डोंट नो वेदर क्रूएल्टी होगा या नहीं, बट अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि ये टेस्ट के वक्त पे क्रूएल्टी होगा, तो फिर वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एज क्रूएल्टी, वी नीड टू सी इट एज क्रूएल्टी। सो ये क्या है फिर? ये स्ट्रॉन्ग है, यस इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज नॉट राइट। आंसर यस या नो में नहीं आएगा, यस को एबली सपोर्ट होता है लॉजिकली तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वीक है। या नो को भी अगर लॉजिकली सपोर्ट करती है कोई चीज तो ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कंक्लूजन हो सकता है, राइट? अ कंक्लूजन इज अ जजमेंट या डिसीजन जहां पर आप पहुंचे हैं आफ्टर कंसिडरेशन। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अ कंक्लूजन इज अ बिलीफ, बिलीफ भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूं दिस इज द बेस्ट क्लास, तो ये कंक्लूजन है, राइट? ए कंक्लूजन इज एन ओपिनियन ऑल्सो। देखते हैं, टू रीच अ कंक्लूजन यू नीड टू थिंक ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद टू कंक्लूजन्स। अगर कंक्लूजन वन फॉलो करता है तो वन, सिर्फ टू फॉलो करता है तो टू, अगर बी फॉलो करता है, अगर ईदर है तो फिर सी, और अगर नीदर है तो डी, और बोथ है तो फिर ई। द फर्स्ट वन, सम पीपल से दैट गुड थॉट कम इन देयर माइंड इन द मॉर्निंग। थॉट्स कम इन माइंड इन द मॉर्निंग ओनली। फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स। कईयों के तो रात को चलते दिमाग ज्यादा। आप में से कितने लोग हैं जो रात को ज्यादा पढ़ते हैं? असी, अपनी अपनी हैबिट है, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं। पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस फॉर एन एलीट एजुकेशन। व्हाट इज एलीट एजुकेशन? गुड एजुकेशन। एलीट एजुकेशन में जो हायर क्लास वाली एजुकेशन है, जिसमें फ्रेंच भी सिखाई जाए, हॉर्स राइडिंग भी हो, सब कुछ हो। चलिए बताइए, बहुत रिच। फर्स्ट इज फॉल्स, ओके। सेकंड सही है, एब्सोल्यूटली करें। फर्स्ट तो एक जनरलाइज्ड व्यू है ना कि सारे लोग बहुत अमीर हैं क्योंकि वो चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है, कुछ लोग बहुत मेहनत से भी करते हैं। दे फाइंड इट रियली डिफिकल्ट बट दे डू इट। सेकंड इज करेक्ट, सबको ऑब्सेसिव एक पैशन है। Which one? या दोनों या none? First one, vegetables have become a rare commodity. अगर कोई चीज महंगी हो गई है तो क्या वो rare commodity हो गई है? नहीं, rare क्या होता है? जो एक आधा ही दिखता है। तो यानी आपको दो तीन शहर दिखे, अरे यार तो मैं कपूरथला गया था, मेरे को वहां गोभी दिखाई थी,
है ना, वो होता है रेयर होना. नेक्स्ट, पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स. पीपल कैन ईट वेजिटेबल्स, पैसे देंगे तो खरीद सकते हैं. कैन नॉट मीन्स खाई नहीं जाएगी, अब नहीं खा सकता कोई, उसमें इतनी हार्ड हो गई है, दांत टूट जाते हैं उससे, तब होता है कैन नॉट वाली सिचुएशन. नन, गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स. यस, टेक योर टाइम. दोनों, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सपर्टीज. फर्स्ट तो लॉजिकल लग रहा है ना, ठीक है. द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टीज कमिसरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट. सेकेंड भी है, दोनों है करेक्ट. इन अ स्टारी नाइट दैट मंथ there were no scooters parked outside the mall. People had gone to stare at the stars. No, starry nights were rare. None. The interview panel may select a student who is neither possessing the abilities of desired level nor any value and assumption. First, inclusion of experts in interview panel does not ensure that the selection will be made properly. Ye ho sakta hai? What is the question? Interview panel may select a student jo neither possess karta hai ability, na wo value, na assumption. Jisme kuch bhi nahi hai. So does it mean inclusion of experts in interview panel does not ensure that the selection will be made properly? No? Why if yes? Why if no? The question says interview panel may select, kar sakta hai select a student, ek student who is not deserving enough, right? Ab inclusion of experts in interview panel does not ensure that the selection will be made properly. So ye to sahi lag raha hai कि सिर्फ एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करना ही उससे गारंटी नहीं हो जाता है. ये यही तो कह रहा है, इंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट्स गारंटी नहीं करता, यानी वो एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स की तरह इंटरव्यू करना पड़ता है, उनको वहां गलती नहीं करना है. यू अंडरस्टैंड, राइट? सो इससे गारंटी नहीं हो जाती कि सिलेक्शन प्रॉपर होगा, विच इज ट्रू. सेकेंड, has some limitations. ये भी तो true है, it has certain limitations. Are you people tired now? अब response नहीं आ रहा, break चाहिए आपको? How many people need a break? बस अगर आप break नहीं लेते तो 5 से 7 मिनट में lecture खत्म हो जाएगा, फिर है ना, फिर आ जाओ. चलो फिर पूरी एनर्जी के साथ वापस आइए फिर. चलिए, इंटरव्यू प्रोसीजर ऑफ एडमिशन हैज सम लिमिटेशंस, इट इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन क्वेश्चन. हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, राइट? चलो एक क्वेश्चन इसको छोड़ दो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं. देयर इज एन इंटरव्यूअर जिसने एक इंटरव्यूई को कहा है, लेट से अगर कोई लड़की इंटरव्यू दे रही है तो मेल इंटरव्यूअर ने कहा है, और अगर कोई मेल इंटरव्यूई है तो फीमेल इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल यू रिएक्ट इफ आई प्रपोज टू यू राइट नाउ. उसको क्या आंसर देना चाहिए, वो लड़की को क्या कहना चाहिए? आई थिंक अबाउट इट. ओके, और सॉरी, बोले 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 प्लीज, जज्बात को आने दीजिए बाहर, बोले बोले प्लीज बोले जी. ठीक है, आई एम ऑलरेडी कमिटेड. ठीक है, और
I'll complain. Okay, और आप क्या कहोगे ऐसे में? जी सर, खुश हो गई, ये पहले स्माइल आ गई मुंह पे, भावनाएं जागृत हो गई। जी सर, पहुंच गए वहां पे, अच्छा लग रहा है। अब आंसर बताइए, बताइए। He'll think over it. He says I'll think about it. इसी को वर्बल रीजनिंग कहते हैं। आप में से किसी ने भी वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया। What? I mean, I really yes. Do you want to answer? It could be a proposal for writing a project, writing a book, doing a task. आप पहुंच गए सीधा I'll think over it. कोई कह रहा है I have a boyfriend, I'll complain. यही वर्बल रीजनिंग है। ये जो यहां लिखा है ना, आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। चलिए इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस। अगेन, अगर आपको लगता है डेफिनेटली ट्रू है, या डेफिनेटली ट्रू कौन सी चीज होती है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करके भी वो सच ही निकलेगा, राइट? प्रोबेबली ट्रू जो हो सकता है ना। और अगर डेटा इनएडिक्वेट है तो आप कहेंगे कैन नॉट से, या फिर प्रोबेबली फॉल्स, शायद गलत है, और डेफिनेटली फॉल्स जो प्रूवेबल है कि ये गलत है ही। लंबा है? बस लास्ट, चलिए लेट्स रीड इट। India has signed two separate agreements with the USA and the EC. Both are quality conscious markets. This brings to a satisfactory conclusion the market excess cancellations in textiles, which had been in progress for some time. Ye jo discussions hai, these were held with a view to facilitating trade, easy banana, trade in textile products between India and the USA and the European Union countries. Abhi, more than 2/3 of India's total textile exports jaate hain to these countries. These agreements which came into force from this date prior, piche dikhai de raha hai ye? Achha. Prior to the establishment of the WTO provide very significant additional market access in these two major markets for Indian textile products. Khaas taur par, agreements are expected to provide a fillip to hand loom and power loom production and exports, which are of high priority. ठीक है जी, ऊपर से तो नहीं जा रहा अब, चलो good. India has been treated with bias in the two agreements mentioned. ये पांच आप देख लीजिए, पांचों को देख लीजिए पहले। Done? Seen? लेट्स कंटिन्यू। बस इसमें से आपने बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, कौन सा क्या है। डू यू वॉन्ट टू लुक एट द पैसेज अगेन? यस, एक काम कीजिए, या तो ये लिख लीजिए या इसकी फोटो ले लीजिए, फिर हम पैसेज पे चलते हैं, आपको पांचों याद नहीं रहेंगे। बस डोंट वरी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी, आजाद हो जाएंगे आप, मतलब मेरी क्लास से। हाँ जी, एक सेकेंड, कुछ लोग अभी फोटो ले रहे हैं। शैल वी गो बैक टू द पैसेज? चलिए, नाउ टेल मी द आंसर्स। हाँ जी, हाँ इसी, हाँ ईयू होना चाहिए वो, यूरोपियन यूनियन। द फर्स्ट इज इंडिया हैज बीन ट्रीटेड विद बायस। कहीं नजर आ रहा है बायस? सो ये डेफिनेटली फॉल्स है या प्रोबेबली फॉल्स है?
Probably false. Why? ये डेफिनेटली फॉल्स होता अगर हमें बताया गया होता कुछ इसके बारे में, या फिर ये डेटा इनएडिक्वेट है. देखिए शुरू से पढ़िए. अब इंडिया हैज साइंड टू सेपरेट अग्रीमेंट्स, राइट. दिस ब्रिंग्स टू अ सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन दैट द मार्केट एक्सेस कैंसिलेशंस इन टेक्सटाइल्स इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम. ये डिस्कशंस वर हेल्ड विद अ व्यू टू फैसिलिटेटिंग ट्रेड. एट प्रेजेंट मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया दीज अग्रीमेंट्स व्हिच केम इनटू फोर्स दिस राइट इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर द अग्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ फिलिप टू हैंडलूम एंड पावर लूम प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स व्हिच आर ऑफ हायर प्रायोरिटी. तो ये तो प्रोबेबली फॉल्स है. हमारे लिए बेटर हो सकता है ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली फॉल्स है या डेटा इनएडिक्वेट. एक हिंट है that it will be beneficial to us. Next question kya hai? Textiles are an important constituent of India's exports. Definitely true. Stated hai. The WTO was established. Kahan WTO? Kahan di hai? Kya dikha? These agreements which came into force. Agreements. Establishment of the WTO. Prior to the establishment of the WTO. बताया आपको WTO कब बना है? फिर क्या हुआ आंसर? Data inadequate. है ना? But it was established on 1 Jan 1995. और यहां क्या बोला है? Prior to it. तो वो भी तो हो सकता है. देखिए, ये agreements कब हुए थे? 31 दिसंबर 1994 को. Prior to, किससे पहले? Prior to the establishment of the WTO. WTO पहले बना था या ये पहले हुए थे? ये पहले हुए थे, है ना? So हो सकता है WTO इस डेट पर हुआ हो, but data inadequate है. ठीक है? Definitely false नहीं हो सकता. The agreements may help India in solving its employment problem. Yes? बोला है कुछ? Probably true. हो सकता है. It may be possible. Last one. India will have to abide by certain quality standards to continue getting export orders from these countries. Has it been mentioned? India will have to abide by certain quality standards to continue. क्योंकि शुरू में लिखा था उन्होंने कि ये quality conscious markets हैं, right? ठीक है जी? चलिए. Thank you so much. अब मिलेंगे कल with another session. Lovely meeting all of you. I hope concepts clearly आपको समझ आ गए होंगे. Bye bye.